विशेष संस्था अपने बल पे कर पाए तो असंभव है। जब तक हम समाज के सभी वर्ग मिलकर उस कार्य में ना जुड़े तो थोड़ा कार्य कठिन होता है। और आपको तो भगवान ने बहुत अच्छे कॉन्टेक्ट दिए हैं, तो मैं आज पूरी इंडस्ट्री का आह्वान करता हूँ आपके माध्यम द्वारा कि पूरी इंडस्ट्री हमारे इस मिशन से जुड़े और ये जो पीड़ा उठाया है संत मोतीलाल गुप्ता ने ये आगे बढ़े। तो आपके सामने मैं आमंत्रित करता हूँ माननीय श्री गंदी प्रभाकर जो दाता निश्चित माननीय संत मोतीलाल जी, मोतीलाल जी साथ में उनके बैठे मिसिस मोतीलाल उनको भी प्रणाम करता हूं। हमारी इंडस्ट्री के स्तंभ श्री एम एल बिदारी उनको प्रणाम। मेरे बड़े भाई श्री आर सी मोहनवाल जी हमारी मैन्युफैक्चर एसोसिएशन के प्रधान हैं। मेरे मित्र विजेंद्र शर्मा जी उनका परिवार और यहां के वाइस चेयरमैन श्रीमती श्री आर डी शर्मा जी और श्रीमती आर डी शर्मा जी श्री बिल्ले साहब उन सबको प्रणाम करता हूं। आज जो मौका मिला साई मंदिर में आने का और साई स्कूल में आने का उसका धन्यवाद आप सभी को। आज हम स्वतंत्रता दिवस के 64 साल हमने पूरे किए और 65वें साल में हम शुरुआत करते हुए बच्चों के लिए हमें आजादी मिली बहुत ही शहादत देनी पड़ी इस आजादी के लिए बहुत खून बहा बहुत लड़ी लड़ी और आप सभी जानते हैं फांसी के फंदे में झूल गए भगत सिंह जी राजगुरु सुखदेव उन सब की कुर्बानियां उनके साथ साथ सुभाष चंद्र बोस जी ऐसे महान अनेक श्री चंद्रशेखर जी ऐसे बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी जिनको हम याद करते हैं और उन सबको नमन करते हैं। इसलिए आज दिन 15 अगस्त 1947 को बार बार याद किया जाता है। बंटवारा भी हुआ हमारा हमारे देश में से एक हिस्सा अलग करके दूसरा देश बना दिया गया। और ये त्रासदी हमारे बड़े बुजुर्गों ने देखी और फरीदाबाद में तो इतिहास रहा है आप सबको मालूम हो जाना चाहिए। यहां पर पाकिस्तान से परिवार उगड़ कर आए उनको यहां बसाया गया और कुछ गुरुद्वारे यहां पर बने हुए हैं। अगर आप देख लें तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और हमें इस आजादी को बहुत अच्छे तरीके से संभाल कर रखना है, उसका मिसयूज नहीं करना है। और जो आपके गुरु जो आपके टीचर्स जो आपको सिखाते हैं उनको याद रखना। मैं थोड़ी सी बातें आपके जरूर बतलाऊंगा इन छोटे छोटे नन्हे बच्चों को। आप सुबह से बैठे हैं और आपको यहां पर जो पहुंचने का जो यहां बैठने का इतना बढ़िया प्रांगण मिला ये सारा श्रेय जैसे मुझे सुनने पर यहां आके पता चला संत मोतीलाल जी ने किया। और उनके अंदर की जो पीड़ा है तो लोगों को सुननी ही पड़े। जिस
तरीके से उनका मियां बीवी दोनों आप लोगों को खाना कपड़े और सुबह दलिया और दूध मिल रहा है, ये सभी स्कूलों में नहीं मिलता। आप उन कुछ एक बच्चों में से होंगे जिनको ये सब कुछ मिल रहा है, और आप मैं ये कह सकता हूं कि बहुत ही खुश नसीब है। ये गरीबों का स्कूल ही नहीं, अमीरों का स्कूल। तो दूसरे स्कूल है वहां पर तो चॉकलेट मिलती है और चॉकलेट मिलती है खाने को, जो पेट भी खराब करती है।